बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोल दिया, तो उनका कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोल दें। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता ने अपने हाथों ले लिया है, जनता चुनाव लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। चल सन्यासी मंदिर में और मंदिर के बाद कहा था कि मंदिर मठ में वापस जाना पड़ेगा। बाप नंबर ही और बेटा 10 नंबर ही। तो जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करें। कई रुझान आ रहे, पता चल रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को BSP का भी वोट मिल रहा है, तो ये किस वजह से आपको लगता है कि जो जाति सीमाएं हैं जो टूटी हैं, कि किस वजह से तमाम जातियां जो इस बार समाजवादी पार्टी से जुड़ रही हैं? बहुत सी जगह बुलडोजर भी चला, FIRें भी हुई, और FIR के साथ साथ देखिए इन्होंने जो केवल जनता की, तो कहीं पर भी कोई भी जो वादे किए थे वो भी नहीं पूरे किए। 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब रण जो है 7वें चरण में प्रवेश कर गया है, तो घोसी की कमान खुद शिवपाल जी ने संभाल ली है, बताने की जरूरत नहीं है, इनका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते ही हैं। सर अब आखिरी चरण में आप घोसी स्वयं आ गए हैं, क्या अब तक का माहौल रहा? सर पहले तो आप बताइए, आज जो वोटिंग हुई है 14 सीटों पर, उसमें कैसा रुझान देख रहे हैं आप? देखिए समाजवादी पार्टी के पूरे पक्ष में है, और इसी तरीके से फर्स्ट फेज से लेकर के छठवें चरण तक चुनाव हो चुका है। अब बारी है 7वें, तो 7वां भी बहुत ही अच्छा जाएगा और 6वां भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से देखिए, वैसे तो इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर, जो 80 सीटें हैं तो 80 सीटों पर भी अच्छी फाइट दे रहा है, और लेकिन मिल करके जो मेरी समझ में आ रहा है कि 70 के आसपास सीटें इंडिया गठबंधन जीत की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 70 सीटें आप कह रहे हैं? हाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मतलब, हाँ उत्तर प्रदेश में जो 80 में 70। हाँ सर, अंबेडकर नगर से आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपके कैंडिडेट हैं लालजी वर्मा ने बड़ा आज आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका बहुत उत्पीड़न किया है। हाँ आज सुना तो है, उत्पीड़न किया है, लेकिन उत्पीड़न करने के बावजूद भी चुनाव, पूरे प्रदेश का चुनाव जनता ने अपने हाथों ले लिया है, तो चाहे अंबेडकर हो चाहे ये घोसी हो, और पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता ने अपने हाथों ले लिया है, जनता चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए मैंने कहा है कि तो देखिए घोसी भी जीतेंगे, अंबेडकर नगर भी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे, और इधर गाजीपुर से लेकर के सभी सीटें पूर्वांचल में तो जीतेंगे, और जीत के अनुसार हमने तो जो कहा है कि लगभग 70 सीटें जीतने के उसमें। बिल्कुल, तो देखिए राजीव राय जी इनके बगल में बैठे हैं, घोसे से उम्मीदवार हैं, अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आमने सामने। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं, लेकिन असली चच्चा तो आप ही। अब देखिए उनके बारे में किसके लिए कब बोल दें, आपने देखा ही था कि कुछ दिन पहले क्या बोले थे योगी जी को, क्या बोले थे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, क्या बोले थे? कहते मठ वापस भेज दूंगा, तो वही तो बता रहे हैं। चल सन्यासी मंदिर में और मंदिर के बाद कहा था कि मंदिर मठ में वापस जाना पड़ेगा। हाँ बड़े अपशब्द कहते हैं उनको, दोहराने जा सकता। वो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोल दिए, तो उनका कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोल दें, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि देखो एक कहावत है ना, एक गाना भी है, उस गाने का है कि आपने सुना ही होगा ना, बाप नंबर ही और बेटा 10 नंबर ही।
बाप एक नंबर ही और बेटा 10 नंबर ही, तो यही लागू होता है उन पर। तो घोसी में सर, आप जब हमको याद है कि जब उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, तो भी आपने कैंप किया था और बड़ी जीत हुई थी समाजवादी पार्टी की, इस बार क्या रहने वाला घोसी में? देखिए, उसी तरीके से फिर जनता ने मन बना लिया है, सभी वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है, तो और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकाल रहा है 10 साल और उत्तर प्रदेश में 7 साल से, तो जनता को तो कुछ लाभ पहुंचा नहीं है, तो जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करें। सर, इस बार कई रुझान आ रहे, पता चल रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को BSP का भी वोट मिल रहा है, तो ये किस वजह से आपको लगता है कि जो जाति सीमाएं हैं जो टूटी हैं, किस वजह से तमाम जातियां जो इस बार समाजवादी पार्टी से जुड़ रही हैं? देखिए, जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, तो उसमें सीधा सीधा था कि ये संविधान को बदलेंगे, और जब संविधान बदलेंगे और आरक्षण फिर नहीं मिलेगा लोगों को, तो इसकी वजह से, और इन्होंने कहीं विकास का भी काम नहीं किया है, और पूरे देखिए विपक्ष का इन्होंने जो उत्पीड़न किया है झूठी रिपोर्टें लिखा लिखा करके, और बहुत सी जगह बुलडोजर भी चला, FIRें भी हुई, और FIR के साथ साथ देखिए इन्होंने जो केवल जनता की, तो कहीं पर भी कोई भी जो वादे किए थे वो भी नहीं पूरे किए, और यहाँ तक कि जो इन्होंने देश की जो संस्थाएं थी वो भी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, और इन्होंने देखिए पूंजीपतियों को कर्जे माफ़ किए और जनता का कोई कर्जा माफ़ नहीं किया, न किसान का, न गरीब का, किसी का भी, तो उसकी वजह से तो जनता समझ चुकी है ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, कुछ ही अपने जो मित्र हैं पूंजीपति, केवल उन्हीं का भला किया है। सर, एक पेरका चाचा जो लोग उनको बोलते हैं, विकास राजभर जी को, कौन चाचा अभी भारी पड़ने जा रहा है? अब वो तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है उन्हें, वे तो बहुर प्रिय हैं, तो उनके बारे में तो सब समझ चुके हैं, बहुर प्रिय हैं, लेकिन विधानसभा में आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कभी आपके खिलाफ बोले नहीं हैं। जब हम डरते हैं क्या कि बड़े वाले चचा तो ये हैं, तो इन चचा से पंगा ना लिया जाए? नहीं, अब ठीक है, अब पूरा हमारा तो प्रदेश, पूरा प्रदेश ही तारीफ करता है। तो देखिए, राजनीति के बड़े चाणक्य हैं शिवपाल जी, और घोसी में अब इन्होंने चुनाव की कमान खुद अपने हाथ में ले ली है, तो निश्चित ही विधानसभा के उपचुनाव में भी इन्होंने प्रचार किया था, तो रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया था। अब पियर का चाचा अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, तो UP के चाचा राजीव राय को लड़ाने के लिए आ गए घोसी में, अब देखते हैं दो चाचाओं की लड़ाई में कौन भारी पड़ता है।